सुरेंद्र वत्स जी की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हर साल दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है एक छत के नीचे होगी, वो जगह होगी चैट विद सुरेंद्र वत्स। व्यक्ति के लिए दिल दिमाग गुर्दा कलेजा फेफड़ा इन सबसे मिला के जोरदार तालियां, जिसका नाम सुरेंद्र वत्स है। कुशल नेतृत्व जो सुरेंद्र भाई ने इस चैनल के माध्यम से देश के उन लाखों युवाओं को प्रदान किया जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना था। सुरेंद्र भाई आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो वेरी मच सर। एक छोटी सी एक्सरसाइज और करेंगे यहां तक ताकि लगे आप चीजें सीख रहे हैं। क्या आप सीख रहे हैं? आपको मैं 15 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको 15 सेकंड में खड़े होकर एक दूसरे को यह बताना है अब तक जो आपने सीखा वो क्या क्या सीखा। 15 सेकंड में बताना है। आपका समय म्यूजिक के साथ शुरू होता है अब, जल्दी से। पूछ लूं मैं आपसे कि आप सब मेरे साथ हैं? बस खाली पकड़ते जाइए। 26 साल का अनुभव 26 मिनट में मैं बांट रहा हूं और धन्यवाद देता हूं सुरेंद्र भाई और उनकी टीम को जिन्होंने मुझे यह मंच दिया। मैं धन्यवाद देता हूं। इस हॉल में हजारों बार आया हूं लेकिन आज का जो मौसम है और आज का जो मिजाज है उसकी कोई तुलना नहीं है। अगला पॉइंट जरा ध्यान दें। लुक लाइक अ सीईओ नॉट अ सुपरस्टार। भैया आप किसी फिल्म के स्टार नहीं हो, आप एक कंपनी के बिजनेस ओनर हो, तो आपकी ड्रेसिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातचाल में वो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, लहजे में वो अंदाज होना चाहिए। बदतमीजी वाले शब्दों का उपयोग करेंगे तो जिंदगी में आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा, जिंदगी में आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा। मुझे एक ऐसी अपलाइन के बारे में पता है जो अपनी डाउनलाइन को कहता है, भाई मैं तेरी मदद किसी चीज से करूं या ना करूं बट आधी रात को भी जरूरत हो तो फोन कर लेना, मैं हाजिर हूं तेरे लिए। मेरी नजर में ये अपलाइन है। मेरी नजर में वो अपलाइन नहीं है जिसका फोन बंद हो जाए, जो फोन पे अवेलेबल ना हो और वो कहता हो। अब मैं आपने सुना होगा कुछ, माफ करें मेरे शब्दों को, कुछ कुछ वायात लोग, उर्दू का अल्फाज है, बुरा नहीं लगेगा आपको, कुछ वायात लोग ऐसे शब्दों का जो उपयोग करते हैं, अब बहुत हो चुका, अब उम्र हो गई है, बहुत काम कर लिया, अब मैं 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट की तरफ हूं। अरे जिंदा क्यों हो, ऊपर चले जाओ, बात खत्म हो गई। दोस्तों मैं 50 साल अगले साल टच करूंगा, 50 years, और मैं आपसे कहूंगा अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो पूरी दुनिया को भारत में लेकर आना है, अभी तो पूरी दुनिया पे अपना रंग जमाना है, जाना है इतनी दूर जिसके आगे राह नहीं है। अगर आप ग्राउंडेड नहीं है, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, आप अगर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं ठीक से चीजों को, और अगर आप सुपरस्टार बन के घर में बैठ गए हैं, दोस्तों मेरे पास क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे द्वारा आपके पास क्या आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मोटिवेटर नहीं बनना है, रोल मॉडल बनना है, इंस्टीट्यूशन बनना है, इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी बनना है ताकि दुनिया आपको देखे और आपको कॉपी करे और कहे मैं इनके जैसा या इनसे बेहतर बनना चाहता हूं, तब आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं। मेरी बात पहुंच रही है तो रिस्पॉन्स कीजिएगा। मैंने ताली बजाने के लिए मना किया है क्योंकि लास्ट में बजवाऊंगा, या तो मेरी बजेगी या आपकी बजवाऊंगा। अगले पॉइंट पर हम जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर जरा आइए और अगली स्लाइड को देखिए। कीप टूल्स ऑलवेज। आपके बैग में आपकी किट, आपकी मैगजीन, आपका कैटलॉग, आपके डेली यूज के प्रोडक्ट होने चाहिए क्योंकि ग्राहक और मौत कहीं भी आ सकती है।
लेकिन मैं जब ट्रेनिंग में बैठता हूं और मैं पूछता हूं किस कंपनी में हो भैया, कंपनी का नाम बता दिया, मैंने कहा कंपनी का कैटलॉग कहां है, टूल्स कहां है और प्रोडक्ट कहां है, कहते सर वो तो मैं घर में रखाया, तो तुम मुझे अपना चेहरा दिखाने आए हो क्या, तुम काय का धंधा करोगे, काय का व्यापार करोगे, मैं इतने करोड़ कमा लूंगा, इतनी गाड़ियां, अरे भाई तुम्हारा किट ही नहीं है तुम्हारे साथ। जिस व्यक्ति के पास उसकी दुकान ही मौजूद नहीं है तो वो काय का धंधा करेगा। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? आप हमेशा रेडी होने चाहिए, बस में रेडी होने चाहिए, ट्राम में रेडी होने चाहिए, रिक्शा में रेडी होने चाहिए, फुटपाथ पे रेडी होने चाहिए, कहीं भी आपका पोटेंशियल नेटवर्कर छुपा बैठा है। और इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा बहुत बढ़िया स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है जुनून की। जुनून केवल उस महिला की तरह जिसकी कहानी है, मैं वीडियो पे बहुत ज्यादा सुनता हूं और बहुत बार अपने सेमिनार में मैंने जिक्र किया है, जो चौथी क्लास पढ़ी थी लेकिन एक दिन हस्बैंड ने केवल ये बोल दिया भाई तुम घर के खर्चे में थोड़ा कम पैसा मांगा करो, क्योंकि उसने एक दिन ज्यादा पैसा घर के खर्चे में मांग लिया था। अभी मेरे एक मित्र स्पीकर ने महिलाओं की बात की तो महिला को इतनी चोट लगी, उसने कहा जिंदगी भर जब तक सांस लूंगी तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी। और फिर उसने खोजना शुरू किया कि मैं ना पढ़ी हूं ना ज्यादा स्मार्ट हूं लेकिन मैं क्या काम कर सकती हूं। उसकी एक दोस्त ने उसे डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्ट करवाया, उसको कैटलॉग दिया, कैटलॉग, और उसको कहा बस तेरा एक ही काम है, कॉफी हाउस में जा और लोगों से बोल ये दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है। 10 लोगों से बोलेगी वो ना कहेंगे, ना कहेंगे, ना कहेंगे, 11वां शायद हां कर दे, वहीं से तेरी किस्मत की चाबी खुल जाएगी। और 11वें ने हाँ कहा और उसकी किस्मत की चाबी खुली और उसका पे आउट 3-4 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया। और एक दिन बड़े मंच पे उसको बुलाया गया, तालियां हजारों बज रही हैं उसके लिए। और फिर जो एंकर था, जैसे हमारे दीपक भाई कितनी बढ़िया एंकरिंग कर रहे हैं, एक तालियां दीपक के लिए हो जाए तो मजा आ जाए। उसको मंच पे बुलाया गया और मंच पे बुलाने के बाद उससे पूछा गया आपकी सफलता का राज क्या है, उसने कहा एक ही राज है, जिस दिन हाथ फैलाए थे और पति ने मना कर दिया था उस दिन संकल्प ले लिया आज के बाद हाथ फैलाऊंगी नहीं, दूंगी, और फिर कभी नहीं मांगा मैंने। लोगों ने पूछा पति को छोड़ दिया, उसने कहा कमाल हो गया, ये मजा मैं हर महीना लेना चाहूंगी। लोगों ने पूछा कौन सा मजा, उस लेडी ने बोला मेरे पति नौकरी करते हैं और नौकरी वालों की प्रॉब्लम है 10 तारीख तक सैलरी खत्म हो जाती है, 11 तारीख को मेरे पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं कुछ पैसे हो तो दे देना। और मैं जब पूछती हूँ कितने चाहिए और जब वो कहते कितने दे सकती हो और जब मैं पर्स से निकाल के उनको पैसे देती हूँ, ये मजा हर महीने में लेना चाहूंगी, इसीलिए मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहूंगी। दोस्तों आपके जीवन में, आपके जीवन में रीजन होना चाहिए, आपके जीवन में कारण होना चाहिए। आज रात को सोए ना, आज रात को लिस्ट बनाए मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में क्यों हूं और मुझे 10 साल में कहां पहुंचना है, उसके लिए जरूरी है आपके टूल्स हमेशा आपके साथ रहे। थोड़ा आगे चले और अगले स्लाइड पर हम जाएंगे और पर टॉक डेली एंड रिक्रूट वीकली। दोस्तों ये बिजनेस लोगों से मिलने का है, लोगों से बात करने का है। जब मैं सेल्स में था, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, तो मैं सुबह 6 से 11 तक केवल मिलता था, केवल मिलता था। मुझे ना बोलना आता था ना कपड़े पहनने आते थे, लेकिन अगर मैं मिलूंगा नहीं तो मेरा डेटाबेस रेडी नहीं होगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि आप केवल सोशल मीडिया पे निर्भर रह के इस बिजनेस में चैंपियन नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते आप, केवल याद रखिएगा आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको उनके घर जाना पड़ेगा। तो ये मिलने का बिजनेस या हेलो करने का बिजनेस रोज का है। और अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको वीकली रिक्रूट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप रिक्रूट नहीं करेंगे एग्जिस्टिंग टीम से बड़ी पैसा नहीं कमाया जा सकता है। मेरी बात पहुंची तो जरा रिस्पॉन्स कीजिए। दोस्तों ये 6-7 पॉइंट मैंने आपको बताए, अब अंतिम पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट में आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगली स्लाइड। आठ मिनट अभी भी बाकी है और एक बार विंस्टन चर्चिल को स्पीच देने के लिए बुलाया गया और उनसे कहा गया आपके पास केवल 2 मिनट का टाइम है। विंस्टन चर्चिल ने कहा मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर सकता हूं, और विंस्टन चर्चिल ने कहा
मेरी एक मिनट की स्पीच है, चाहे कुछ भी हो जाए उम्मीद मत खोना और हिम्मत ना हारना. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच. एक मिनट बस. देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, याद है पोएट्री, सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है. देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से. बाकी पोएट्री जो है वो यूट्यूब पे है, सब्सक्राइब भी करना और मेरे चैनल पर भी जाना, ठीक है ना. हाँ. चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से, कि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है. भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में, जो सांस तो ले रहे हैं पर उनमें भी जान नहीं है. चमत्कार तो चरित्र को याद रखना. नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में चालू भाषा का इस्तेमाल मत करना, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करना, गालियों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि 36 अच्छी बातें लोग भूल जाएंगे, एक बुरी बातें सारी जिंदगी वो याद रखेंगे. आपकी भाषा, आपका लहजा, आपका अंदाज इतना खूबसूरत हो कि मरा हुआ आदमी भी खड़े होकर आपको पप्पी करना चाहे. मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है. भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में, जो सांस तो ले रहे हैं पर उनमें भी जान नहीं है. करना है चमत्कार, जो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो खुद को मजबूत बनाना ही होगा. आप सबके लिए, सुरेंद्र भाई के लिए, दीपक के लिए, मेरे पहले जितने स्पीकर आए और मेरे बाद आप सबके हीरो और सुपरस्टार जो आने वाले हैं, आज मेरी हर्षवर्धन आपसे आज मेरी पहली मुलाकात है और मुझे आप बहुत अच्छे लगे. और मैं ये कहूंगा आपके लिए, जहां मैंने छोड़ा है वहां से इसको और खिला दें, ताकि हमें मजा आ जाए और हम सीख के आप बैठ के बहुत कुछ सीखें. दोस्तों मेरे लिए तालियां और आने वाले स्पीकर के लिए तालियां. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन.